अध्याय ओम उद्यत भानु सहस्र कांति मरुण छोमां शिरो मालिकां रक्ता लिप्त पयोधरां जपवटिं विद्यां भीतिं भरम हस्ता अबजर दातिं त्रिनेत्र बिल सदुकत्रा अरविंद श्रियं देवी बद हिमांशु रत्न मुक्तां वंदे अरविंद स्थितां। ओम ऋषुर्वाच निहन्यमान्यं ततस्तन्यं अवलोक्य महासुरा सेनानी सीचुरकोपा दयोयोधुमथामिकां सदेवीं सर्वर्षेण बवर्ष समरेसुरा यथा मेरु गृहे श्वंगं तोय वर्षेण तोयद तश्चित्वा ततो देवी लील्यैव सरोत्करान् जघान दुर्गान बाण यन्तारं च वाजिनं चिच्छेद च धनु सद्यो ध्वजम चाति समुचितम विव्याध च विगात्रेषु छिन्न धनवान मास्के सचिन धनमाविर्थो हता सोहत सारथी अभ्यधावत ताम देवी खड्ग चरम धरोसुर सिंह महात खड्गेन तीक्ष्ण धारेण मूर्धनी आज घाम भुजे सभ्य देवी प्रति वेगवान तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफाल निपनंदन ततो जगराह शूलम च कोपादन लोचनम चिक्षेप ततस्ततो भद्रकाल्यां महासुर जाजुल्यमानं तेजोभि रविबिम्ब विमांबरात् दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलं मुञ्चत् तच्छूलं सतधातेन नीतं स्वच महासुरा हते तस्मिन् महावीर्ये वैशस्य चमुपतो आजगाम गजारूढश्चाम स्थित साधना सोपिं शक्ति मुमोचाथ दिव्यास्तांबिकादुतं हुंकाराभेतां भूमो पातयामास्तिस्फुरं भग्नां शक्तिं निपातितां दृष्ट्वा क्रोध समन्विता चिक्षेप चामरशूलं बाणैः अस्तदपि साक्षिणत तथा सिंहासमुत्पत्त्य गजकुंभांतरे स्थिता बाह्युद्धेन युधे तेनोचे स्थित सारणा युध्यमानो ततस्तौ तु तस्मान् नागान् महिम गतौ योधातयति संरब्धो प्रहारयति दारुणे ततो वेगात्मुत्पत्त्य निपत च मृगारणा कणप्रहारेण शिरश्च अमरस्य च पृथक्कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिला वृक्षाद विहत दंत मुष्टितलश्चैव कालश्च निपातिता देवी क्रुद्धागदा पातश्चुण्यामाश्च दतम वासकालन भिन्दिपालन बाणै ताभ्रम तथांधकम उग्रासमुग्रवीर्यम च तथैव च महाहनुम त्रिनेत्रा चत्रशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालास्यासिनाकायत पात बिडालास्यासिनाकायत पातयामस वैशिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभो शरीर्निन्यम्यं एवं संक्षेमाने तु स्वसैन्ये महिषासुरा महिषेन स्वरूपेण त्रास्यामासतान् गणान् कांश्चित्तुर्प्रहारेण खुर्चूपस्तथा प्राण लांगोलताड़ितान अश्चान्यं श्रृंगाभ्यां च विदारितान वेगेन काचिद प्राणन नादेन भ्रमणेन च निश्वास पवने नान्यन पातयामास भूपतले निपात प्रमथानिक मभिधावत सुअसुर सिंहम हंतुं महादेव्य कोपम चक्रतो ततोमिका सोपि कोपान महावीर्य खुर्चुन महितल श्रृंगाभ्यां पर्वतानुच्चां चिक्षेप च ननाच वेग भ्रमण विचुन्ना महितस्य वशीयत लांगुलिरतश्चाब्दि प्लावयामास धुत सिंह विभिन्नाश्च खंडम खंडम यूर्धना श्वासा निलास्ता सत्सो निपेतुर्नभसुचला इति क्रोधा समाध्यामत मा पतंतं महासुरं दृष्ट्वा सा चंडिका कोपं तद्वधाय तदकृत सा क्षिप्ता तस्मै पासं तंबबंद बहासुरं तत्याज माहिसं रूपं सोपि वृद्ध सोपि बद्धो महामृगे तथा सिंहो सद्यो यावत् तस्यामिकाश्र चिनन्ति तावत् पुरुष खड्ग पाणिर्दृश्यत तत् एवासु पुरुषं देवी चिच्छेद सायके तम खड्ग चर्वना सार्ध ततो शोभुन महागज करेन च महासिंहम तम चकर्ष जगर्ष च कर्ष तस्तु करं देवी खड्गेर निरकृत खड्गेर निरकृत तथा ततो महासुरो भूयो माहि सिंह बपुरासित तथैव शोभयामास त्रैलोक्यम सचराचरम तथा क्रुद्धात् जगन्माता चंडिका पानमुत्तपम पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुलोचन ननर्द चासुरसोपि बलवीर्यमदोद्धुत विषानाभ्यं च चिक्षेप चंडिका प्रतिभूदरान् सा चौतान प्रहितास्तेन चूर्णयन्ति सरोत्करे उवाच तं मदोद्धुत मुखरागाकुलाक्षरम् देव्यु वाच गर्ज गर्ज छनंग मूढ़ा मधु यावत पिबाम्यहम मया तो हते त्रैव गर्ज सिंता सुदेवता ऋषुर्वाच ये मुक्ता समुत्पत्य सारूढ़ा तंग महासुरम पादन क्रम्य कंठे च शूल निर्मताड्यात तथा सोपि पदाक्रांत्या अस्त्या निज मुखादता अर्ध निष्क्रांत एवासित दिव्या ब्रियन स्मृत अर्ध निष्क्रांत एवासो युद्धमानो महासुरा तया महासिना दिव्या श्रीश्चित्वा निपत्ता ततो हाहा कृतं सर्वं दैत्य सन्निंग नास्तत् प्रहर्ष परम जगमु चकला देवतागना तुष्टुभुस्तांग सुरा देवी सह दिव्य महर्षि जगुर्गंधर्पत्यो नणितुश्चाप्त सरोगना ओम।